एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपिका एंड आई एम हेयर टू शेयर अ कंपैरिजन वीडियो। मतलब ऑलरेडी मैंने किया हुआ था कंपैरिजन वीडियो। एंड जस्ट फॉर अ मोमेंट, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन लाइक दिस बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो विच आई वॉज ट्राइंग दैट इट शुड बी शेयर विद यू डेफिनेटली। एंड ये रोज हिप सिरम है, बेस्ट सेलर में काउंट होता है। यू कैन सी द पैकेजिंग एज इट इज़, ये पूरा पैक है एज इट इज़। एंड ये लुक एट द पैकेजिंग गाइज, ये ग्लास बॉटल है एंड ये बड़ी वाली पैकेजिंग है। बट आई कैन गिव इट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट एब्सोल्युटली इफ़ यू आर लिविंग नियर बाई मी, एंड बिकॉज दिस बॉटल इज़ नॉट इन यूज़ ऑफ मी एनी मोर नाउ। एंड कैन यू बिलीव आफ्टर वन मंथ आई गॉट टू नो कि मुझे जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो रही थी वो सिर्फ इस सीरम की वजह से हो रही थी। एंड ये एज डिफाइनिंग सीरम है, ये मेरा फर्स्ट सीरम है जो मैंने गुड वाइब्स का लिया था। सीरम मुझे थोड़ा ऑयल बेस्ड लगता है, आई विल शो यू द कंसिस्टेंसी हियर। कलर थोड़ा चेंज हो गया, अब ये ऑरेंज जैसा लुक करता है। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जस्ट वीडियो में, ये देखो ऑरेंज हो गया है। मैं इसको यूज़ नहीं करती, मैंने टी ट्री पपाया का एक सीरम आता है गुड वाइब्स का, वो ट्राई किया था अभी। सो 10-15 डेज़ ट्राई करने के बाद आई हैव सीन कि मेरे फेस पे ओपन पोर्स दिख रहे हैं मुझे, जो कभी मैंने नहीं देखे थे। सो इट वाज रियली स्कैरी। एंड मैंने इसके बाद गुड वाइब्स का जो इसका छोटा वाला पैकेज आता है वो मैंने पूरा ट्राई कर लिया था, मतलब पूरा फिनिश कर लिया था। एंड आई थॉट कि हो सकता है कुछ और रीज़न हो जो मुझे ओपन पोर्स हो रहे हैं। मैंने इतना इंटरनेट पे सर्च किया क्या रीज़न है, क्यों ओपन पोर्स हो रहे हैं, क्लॉग्ड पोर्स है, कभी ऐसा मेरे को प्रॉब्लम हुई नहीं। एंड इतने रिव्यूज़ देखे, किसी ने ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट का जिक्र किया नहीं। सो आई वॉज़ लुकिंग कि शायद कुछ और प्रॉब्लम है, शायद डिफरेंट क्रीम यूज़ करने की वजह से हो रहा है, बट ऐसा नहीं था। जब मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया गुड वाइब्स के सीरम को, देन धीरे धीरे मुझे अपने स्किन में डिफरेंस लग रहा है। जो पहले मेरी स्किन थी वैसे ही मुझे फील हो रही थी अब। सो मैं तो किसी को ये रिकमेंड नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी, ये मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। गुड वाइब्स के सीरम की जगह मैं मामा अर्थ का एंटी करेक्ट फेस सीरम यूज़ करती हूँ, वो मुझे सूट करता है। आई एम रियली लाइकिंग दिस प्रोडक्ट, ये मेरी थर्ड परचेज है। द नेगेटिव पॉइंट की ये थोड़ा सा महंगा है, 599 का है, बट मैंने रिसेंटली इसको ऑफ़र में लिया था तो दो जो है वो डिस्काउंट पे थे। अगर आप दो परचेस करते हो एक साथ 500 और ऐसा कुछ था उसका प्राइस। सो एक मेरी सिस्टर ने लिया, एक मैंने लिया। तो डियर मेरे कहने पर मत जाओ, ट्राई द सीरम, इफ़ इट सूट्स यू देन कंटिन्यू, अदरवाइज अगर आपको डिफरेंस लगता है प्लीज़ लीव इट इमीडिएट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।